किसान कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आज कई फैसले प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की हमारी बैठक हुई उस बैठक में लिए गए पीएम आशा योजना, ये अन्नदाता के संरक्षण की योजना है। इस योजना में एक तरफ जहां हम किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर उसका उत्पाद बिकता है, दलहन हो, तिलहन हो, बाकी अनाज हो, यहां तक के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों पर भी राज्य इसको लागू कर सकते हैं, तो हम उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से हम बफर स्टॉक भी बनाते हैं कि दालों की देश को जरूरत हो तो दाल खरीद के रख लो, चावल की, गेहूं की जरूरत हो तो वो खरीद के रख लो, ताकि जब देश को जरूरत पड़े, जनता को जरूरत पड़े या महंगाई बढ़ जाए तो जनता को हम सस्ता दे सकें। आज इस पीएम आशा योजना के लिए 25,000 करोड़ के बजट के साथ जारी रखने का फैसला हुआ है। अब जिन राज्यों में विशेषकर योजना दलहन के लिए, तिलहन के लिए पीएम आशा योजना, गेहूं, चावल वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अलग खरीद, और बागवानी फसलों के लिए है। अब इसमें पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 25% इस योजना के अंतर्गत सरकार खरीदेगी। खरीदने के दो तरीके हैं, एक पीएसएस योजना जिसमें भौतिक रूप से सरकार खुद जाके, जैसे अभी सोयाबीन खरीद रहे हैं, खरीदेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदते। दूसरे इसमें भावांतर भुगतान योजना भी लागू कर की गई है। भावांतर भुगतान योजना में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर है मॉडल रेट मान के, वो अंतर किसान के खाते में डाल दिया जाता है, फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदेगा व्यापारी। और हमने चूंकि पहले केवल राज्य के उत्पादन का 25% खरीदते थे, इसमें बढ़ा के कर दिया देश के उत्पादन का 25%, मतलब एक राज्य चाहे तो 40% भी खरीद सकता, और वो खरीदना चाहे तो राज्य अपने पैसे से तो पूरे ही खरीद सकता है, अपना पैसा मतलब खरीदने में जो लगता है, तो बाद में बेच के भी वो पैसा उसमें से वापस ले आता है। फिर अभी तक बैंकों से जो गारंटी मिलती थी खरीदने की, वो मिलती थी 40,500 करोड़ रुपया, लेकिन एमएसपी के रेट बढ़ गया तो उसको बढ़ाकर हमने 45,000 करोड़ रुपया कर दिया है बैंक गारंटी का बिल। इससे किसान को बहुत लाभ होगा, किसान की दलहन तिलहन की फसलें और बागवानी की फसलों की भी खरीद हो पाए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,